हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 साई गौर हरि बोल 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 साई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गौर ब्रह्मानंद हरि हरि बोल हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा तब कुछ कहो हरिदास ठाकुर तब कुछ कह दो तब कुछ दिजन किच टेक कह दो हत्यावान तो कह प्यार बंदी की टिक्के कह दो ठीक है हरे कृष्ण ओम ज्ञान तमीराम धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी दिव्य प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्मा नित्य लीला प्र विष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सद श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नित्य लीला प्र विष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सद श्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज एक विशेष तिथि है। आज का तिथि में नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जी का आज
तिरोभाव। और श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज आज तिरोभाव तिथि है। आज का दिन दो दो महापुरुष का तिरोभाव तिथि है, इसलिए वैष्णव लोग बड़े दयालु है, क्योंकि भगवान का एक ही तिथि मिलता है आविर्भाव। लेकिन वैष्णव लोग जैसे भगवान का जन्म कर्म चमे दिव्य, भक्त लोगों का भी ऐसे जन्म कर्म दिव्य है। ये लोग भगवान की इच्छा से ही इस जगत से जगत में आते हैं और भगवत इच्छा से जगत को छोड़ करके चले जाते हैं। अगर वैष्णव लोग चाहते तो सशरीर में भी ये वैकुंठ विजय कर सकते हैं, सशरीर में ये गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। लेकिन वो कृपा करके, क्योंकि जब वैष्णव का तिरुभाव आता है, आविर्भाव आता है, साल में दो दो बार आ जाती है, फिर दो दो बार हम लोगों को उनकी कथा, उनकी महिमा, कैसे भक्ति करते थे, कैसे भजन करते थे और हमें कैसे भक्ति भजन करनी चाहिए, ये सब चीज़ को जब हम अनुसरण करते हैं, बाकी सब चीज़ को जब हम विवेचना करते हैं, फिर हमें भी ऐसे जीवन में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हमारे अंदर में ये अनुप्रेरणा आता है, हमारे हृदय में ये भावना को सृष्टि करता है। इसलिए वैष्णव लोग जान बुझ करके दो दो तिथियों को छोड़ करके हमारे लिए चले जाते हैं, है? इसलिए आज कुछ दिन पहले श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज का तिथि गया था, हम लोगों ने बहुत उनकी कथा सुनी, है? कैसे उन्होंने अलग अलग इनको जब आचार्य पद में नियुक्त करना चाहते थे, इसलिए श्री भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज ने बोले मैं तीन चार आचार्यों को बना करके मैं जाऊंगा। फिर लेकिन इनको जो पूछे आप क्या आचार्य पद को ग्रहण करेंगे, बोले नहीं मैं आचार्य पद को ग्रहण नहीं करूंगा, अब एक ही आचार्य बना करके जाओ, अगर एक आचार्य का ही शिष्य होगा तो अरे आपस में रहेंगे, नहीं तो अगर बहु आचार्य का शिष्य अगर रहेंगे आपस में हो सकता है भविष्य में कोई कलह हो सकता है, आप एक ही आचार्य बना करके जाओ। फिर इन्होंने बोले मैं आचार्य पद में ग्रहण करना नहीं चाहता हूँ, बोले कारण क्या, बोले कारण ही कहते मैं वासुदेव में घोष नहीं हूँ, एक महाप्रभु का भक्त थे जिनका नाम था वासुदेव, तब वो क्या करते उनको शरीर में जो कुष्ठ व्याधि हो गया, कूड़ हो गया था, वहां से कीड़े बन जाते थे, कीड़े जब नीचे गिर जाते थे फिर वो उठा उठा करके फिर उसमें ही रखते थे, बोले ये तुम्हारी खाना है तुम क्यों उसको छोड़ करके जा रहे, ये शरीर तो जरत गब शरीर है, अनित्य शरीर है, ये किसकी सेवा में लगनी चाहिए। उनके अंदर में ऐसे दया की भावना थी। प्रहलाद महाराज ने भी ये बात को बताई, इसलिए कहते मेरे अंदर में ये चीज नहीं दूसरों को पाप में ग्रहण कर सकता हूँ, इसलिए मैं आचार्य नहीं बनू। लेकिन लास्ट जीवन में उन्होंने आचार्य का उन्होंने काम किया है, इसलिए वो कहते थे अलग अलग वैष्णव से उन्होंने अलग अलग उन्होंने शिक्षाओं को ग्रहण किया है, एक एक अलग अलग मंत्र को उन्होंने एक एक अलग अलग व्यक्तियों से लिया है। वो कहते थे जैसे श्री भक्ति रखक श्रीधर गोस्वामी महाराज, इनसे उन्होंने क्या ग्रहण किया है, इनसे बहुत अच्छे अच्छे शिक्षा को लिया है। वो कहते थे जब हम लोग कीर्तन करते हैं, जब हम कीर्तन करते हैं उसी समय में ऐसे नहीं गाना चाहिए केवल हम गा जाते, कीर्तन को गानी चाहिए केवल गा जाते, वो बोलते थे नहीं ऐसे नहीं। इसलिए जिस समय हम कीर्तनों को गाते हैं हमको ध्यान देनी चाहिए, श्री जैसे नरोत्तम दास ठाकुर भजन, भक्ति विनोद ठाकुर का भजन और श्री लोचन दास ठाकुर का भजन, इनका ही भजन करके ही भजन को हम गाते हैं। क्या होता है गानी चाहे तो गा ही जाते हैं, लेकिन वो कीर्तन में क्या बताना चाहते हैं तब भी हमारा ध्यान नहीं रहता, उसको कीर्तन गाते हैं पाषाण कुटी मटा अनल फसी हो। नरोत्तम दास ठाकुर जब महाप्रभु संसार से चले गए वो कहते मैं ये सर को पत्थर में पीट पीट करके शरीर को फोड़ दूंगा, आग में प्रवेश कर जाऊंगा, महाप्रभु का विरह का हम कैसे सहन कर सकते। लेकिन कभी कभी तो ये भजन करते हैं लेकिन इधर हंसते इधर गाते, लेकिन वो भजन क्या कह रहा है, उनका विरह में हम इस शरीर को
त्याग दे देना चाहते हैं, लेकिन इधर आते हैं त्याग देना, लेकिन उधर कभी कभी आपस आपस में हंसी दिलक करते हुए हंसते नहीं। इसलिए वो कहते थे, इसलिए प्रभुपाद जाते समय इनके मुखार बिंद से भक्ति रंग श्री श्रीधर गोस्वामी इनके मुख से उन्होंने कहते श्री रूप मंजरी पद सही मर संपद सही मर भजन भजन। वो किसने बोल रहे थे, नहीं महाराज अमुक महाराज बहुत अच्छे गला है, बड़े सुस्वर से गाते हैं, अब उनको बुलवा करके भजन सुना। बोले नहीं, हम गला सुनना नहीं चाहते हैं, हम भाव को हैं, जो कीर्तन में जो बात बताते हो भाव को मैं सुनना चाहता हूँ, वो भाव को। इसलिए उनसे मंत्र लिया, जब कीर्तन करो वो कीर्तन में क्या गाते हैं वो चीज को मन लगा करके उसको सुननी चाहिए। उनसे उन्होंने ये मंत्र को ग्रहण किया है, हैं कत भक्ति जाजावर श्री जाजावर महाराज जी से उन्होंने हैं, उनसे भी उन्होंने कुछ वस्तुओं को सेवा में स्वीकार किया है। जो वस्तु मंदिर में आता है हर वस्तु भगवत सेवा के लिए आता है, ठाकुर जी की सेवा के लिए, वो अपना सेवा के लिए वो चीज नहीं आता है, अपना भोग के लिए नहीं, जो मंदिर में आता है सबके सब भगवत सेवा के लिए आता है। इसलिए नियम है अपना भोग में नहीं, कुछ चीज को भोग में नहीं लगानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए हैं अपना शरीर के लिए कम से कम चीज लगा करके ठाकुर जी की सेवा में ही हर चीजों को ग्रहण करनी चाहिए। और जब महाराज जी जाजावर महाराज जी जब वो मंदिर में आते थे, जैसे किस मंदिर में आए, जैसे रथ यात्रा चैतन्य गौड़ी मठ में कभी आते थे, वो क्या करते थे, वहां रहने से पहले जाकर कीर्तन में बैठते थे, पहले कुछ सेवा करते थे, कुछ सेवा करके फिर जा करके प्रसाद ग्रहण करना वह मठ में जाते थे। क्यों, वो शिक्षा देते थे, उनसे ये ग्रहण किया है मंदिर में जो कुछ वस्तु आता है ये सब के सब ठाकुर जी की सेवा के लिए आता है, ठाकुर जी की सेवा के लिए हर वस्तु आता है, हमारे भोग के लिए कोई चीज नहीं आता है। आए कोई ठाकुर का सेवा ही नहीं किया, प्रसाद प्रसाद सेवा के लिए बैठ जाते, सबसे पहले बड़े सबसे बड़े सेवा क्या है, प्रसाद सेवा के लिए बैठ जाते। बोले नहीं, सबसे पहले गुरु वैष्णव का ठाकुर का सेवा करो, सेवा करके फिर प्रसाद को सेवा करनी चाहिए। इसलिए कभी किसकी ऋणी हमें नहीं बननी चाहिए, कहीं ऋण नहीं बननी चाहिए। इसलिए कहते वो हर व्यक्तियों से उन्होंने एक एक अलग 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 उन्होंने मंत्र सबसे अलग अलग उन्होंने शिक्षाओं को ग्रहण किया है, और शिक्षा को ग्रहण करते हुए सारा जीवन भगवत भक्ति करते हुए उन्होंने शरीर को त्याग दिया। इसलिए कहते जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीधी रेद मान वत भगवान। इसलिए माँ कुंती कहती हैं जिसको पास में एक अहंकार हो जाए ना वो प्रभु का भजन नहीं करता। अगर किसको अंदर में चार चार जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री आ जाए वो तो प्रभु का भक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभुता पाई कामद नाही। जगत में ऐसे कौन सा व्यक्ति जिसको अंदर में थोड़ा गुण आ गया, अभिमान नहीं आ जाता है, अभिमान आ जाती है, अभिमान सुरापान है, सुख प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। इसलिए कहती ये जन्म इनकी पूर्व बंगाल में जन्म हुए हैं, और ब्राह्मण कुल में ये महापुरुष श्री ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण किया है। जन्म ऐश्वर्य ये जिस घर में जन्म ग्रहण किए हैं बहुत संभ्रांत घर में जन्म हुए, और लास्ट जीवन का लास्ट में उन्होंने सारे ऐश्वर्य को उन्होंने प्रकाश किया है। जिस समय उन्होंने आचार्य हुए और सारा दुनिया के लोग जिनकी शरण में आए, जन्म ऐश्वर्य श्रुत, श्रुत मतलब होता है ज्ञान। कत भक्ति बल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज के पास में जब कोई आते थे, कोई प्रश्न करते थे तो वो उत्तर देते थे, बाद में बोलते थे अगर कोई विशेष बात सुनना तो जाओ भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के पास में जाओ, वहां से जाकर के श्रवण सुन कर। और श्री श्री मतलब होता है सुंदरता, तुम लोग देखे होंगे तुम लंबे चौड़े गौरव वर्ण के एकदम अति सुंदर स्वरूप थे। इसलिए इनके अंदर में ये चार चार सारे गुण रहते हुए भी लेकिन त्रिनाद भी सुननी चाहिए न तर रि सुनना अमानी ना मान दे न कीर्तन या सदाहरी, सबका सम्मान दे करके सबको जथा जो के सम्मान दे करके भगवान की भक्ति करना ये बहुत बड़ी ये बात है, बहुत बड़ी। इसलिए आज इनकी तिरुभाव तिथि इनका है और श्री हरिदास ठाकुर का भी तिरुभाव है। हमारे बीच में हमारे वैष्णव लोग कुछ बोलेंगे
आदि श्री हरिदास ठाकुर का तिरुभाग है। कहते हरिदास ठाकुर कौन है, कहते श्रीमान महाप्रभु, कहते एक एक भक्तों को देख करके उन्होंने एक एक चीज को स्थापन किया है, हैं? इसलिए जैसे श्री रूप गोस्वामी को द्वारा रस को स्थापन किया, रघुनाथ दास गोस्वामी को द्वारा प्रयोजन को, जीव गोस्वामी को सिद्धांत, श्री सनातन गोस्वामी को द्वारा संबंध ज्ञान, और हरिदास ठाकुर को द्वारा उन्होंने नामाचार्य उपाधि दिया। क्या नाम दिया? नामाचार्य उपाधि। कहते अगर कलयुग में भगवत प्राप्ति का केवल एक उपाय है, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। कलयुग में हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग में भगवत नाम को छोड़ करके और कोई गति नहीं, नहीं नहीं, तीन तीन बार बोल दी है। इसलिए अगर कलयुग में हरि नाम करना तो हमें आदर्श किसको बनानी चाहिए? कद हरिदास ठाकुर। किसको? हरिदास ठाकुर को। कितना हरि नाम करते थे? तीन तीन लाख। अगर अगर हम सोलमाला करते हैं ना सवेरे से लेकर के, अगर शाम को देखे सोलमाला खत्म नहीं होता है, है? सोलमाला। और उन्होंने कितना चार बार सोलमाला कर तो एक लाख, अगर चार एक लाख, फिर ऐसे तीन लाख हरि नाम है, तीन लाख हरिनाम करते थे। अगर हम एक लाख हरिनाम करें ना, अंगुल भी दर्द हो जाएगा, जीवा भी दर्द हो जाएगी, है दिन भर हरे कृष्ण करते करते। लेकिन इनको जीवा पर नाम स्वयं जैसे हमको कष्ट लगता है ना, लेकिन जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, अनर्थ से मुक्त हो जाते हैं, नाम प्रभु स्वयं जीवा में प्रकट हो जाते हैं, स्वयं जीवा में प्रकट हो जाते हैं। जब स्वयं जीवा में प्रकट हो जाते हैं नाम, उस समय नाम भी जल्दी होता है, अब नाम करने में कष्ट नहीं होता है, नाम करने में कष्ट नहीं होता है। इसलिए कहते तुंडे तांडव वितनुते तुंडावली लब्धे। इसलिए नाम स्वयं जब जीवा में प्रकट हो जाते हैं, कहते ब्रह्मा जी को तो सृष्टि करना आता ही नहीं, इतना मीठा नाम, अरे इतना मीठा नाम में करने के लिए एक जीवा दिया है, लेकिन जीवा में जब नाम उच्चारण होता है लगता है अर्बुद खरबुद जीवा देनी चाहिए, एक ही जीवा क्यों दे। इसलिए कहते ये आदर्श है हरि नाम, अगर इनके जैसे अगर हरि नाम कर तो इसको द्वारा ही जीव की उद्धार होगा है। और उदाहरण देते हैं, जैसे आपको पानी पीना, नहीं तो आपको मिट्टी से पानी निकालना है, अगर यहाँ पर दो चार फुट खोल दिया पानी नहीं निकला नहीं, अरे और एक जगह पर गए वहां भी दो तीन फुट खोद दिया, लेकिन वहां भी पानी नहीं निकला, और एक जगह पर गए वो भी तीन चार फुट खोद दिया, अगर पृथ्वी को खोदोगे तो ऐसे पानी निकलेगा नहीं। पानी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक जगह में ही खोदो, खोदते 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 जब तक वो पानी नहीं निकल जाती है तब तक खोदनी चाहिए। कहते उसी तरह हरिनाम कैसे करनी चाहिए, हरिनाम कैसे करनी चाहिए, कंटिन्यू। जैसे महाप्रभु कहते हैं, प्रभु बोले कहिलाम यही महामंत्र, यह जब गया सबे करिया निर्बंध, की शयन की भोजन की वा जागरणे, अहर निश चिंत कृष्ण बोलह बदने। सोते उठते बैठते हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जोर में बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए जब हरि नाम को हम कंटिन्यू करेंगे हैं, कंटिन्यू करेंगे मतलब खोदते 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 जब तक पानी नहीं निकल जाता है ना, तब तक खोदनी चाहिए। मतलब क्या? जब तक कृष्ण प्रेम कृष्ण दर्शन नहीं हो जाता है, बस क्या करो, हरिनाम करते रहो, हरिनाम करते रहो, हरिनाम करते रहो, कंटिन्यू। कृष्ण प्राप्ति के लिए हमें कंटिन्यू 24 घंटा क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति करना पड़ेगा, तभी जाकर के क्या मिलेंगे? कृष्ण प्रेम हमें तभी जाकर प्राप्त होगा। इसलिए हरिदास ठाकुर का नाम उन्होंने नामाचार्य हरिदास ठाकुर रखे।
और महाप्रभु कहते हैं अगर हरि नाम करना तो हमारे अंदर में चार गुण होने चाहिए। कितना गुण होने चाहिए? क्या क्या है? बोले त्रिणा दपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानी नांग पान देन कृतन्य सदा हरि। कहते चार ही गुण है, गुणी हरिया कर कीर्तन। चार गुण में गुणी होकर कीर्तन करनी चाहिए। हैं तीन से भी जाता दीनहीन, पेड़ से भी जाता सहन शक्ति, सबको यथा योग्य सम्मान दो, कभी सम्मान की भूखे मत बने। लेकिन ये श्लोक का कहते ये जो श्लोक है, ये श्लोक का मूर्तिमान स्वरूप कौन है? बोले से हरिदास ठाकुर। 22 बाजार में पिटाई हो गई, तभी कहते हैं भगवान बड़े दयालु है, बहुत थोड़ी सी दंड देकर छोड़ दिया। मैंने इन्हीं कानों में भगवान का निंदा सुनी है ना, इसलिए ठाकुर जी मेरे को इतने दंड दिए। ठाकुर बड़े दयालु है, इतने दयालु, कोई मार रहे हैं पीट रहे हैं 22 बाजार में, ठाकुर के लिए प्रार्थना, ठाकुर जी अज्ञान मूर्ख है, हम इनको अपराध का मत लो। ठाकुर वैकुंठ छोड़ करके चक्र लेकर के आ गए इनको, लेकिन ये उनकी भी कल्याण सोच रहे। लेकिन हमारी अवस्था क्या है? अगर थोड़ी सी मारने का तो दूर की बात, अगर थोड़ी सी कोई थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बात बोल दिया तेरे सत्यानाश हो जाए, हाँ तेरे सत्यानाश हो जाए, मेरे को ऐसे बोला है तेरे को दिखा दूंगा। इसलिए कहते साधु होना है ना बहुत कठिन है। इसलिए कहते हैं वैष्णव है ते मन छिलो बड़े स्वाद, लेकिन त्रिनादर भी सुनी चीचों के पड़ी गड़ बात। हम तो सोच रहे थे हम वैष्णव बनेंगे, लेकिन जब देखा वैष्णव बनने के लिए चार गुण चाहिए, बोले भैया हम तो वैष्णव बन नहीं सकते हैं, इसलिए मूर्तिमान। और कहते हैं जाति कुल निरर्थक यह बुझाई थे हरिदास जन्म लेन जबर कुलत। उनने क्यों मुसलमान घर में जन्म लिया? कहते कारण यही है, कहते भगवान के भक्तन में जाति कुल का कोई विचार नहीं। जय भक्त जय सही बड़ा अभक्त ये निचार, कृष्ण भजन नहीं जाति कुलादि विचार। भगवान के भजन में जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजा सो हरि का हो। इसलिए ये चीज को निरर्थक है। जय कुल जन भजन ना है केवल भक्ति मूल, किसी कुल में जन्म क्यों नहीं हो, मैं नहीं भगवान की भक्ति। ये चीज को समझाने के लिए इन्होंने श्री जवन कुल में जन्म ग्रहण किया, और जन्म ग्रहण करते हुए सारा जीवन महाप्रभु का भजन करते हुए अपना जीवन को बिताया। इसलिए इनकी कथा तो बहुत कथा है, इनकी बहुत कथा है। इसलिए हमारे बीच में से तमाल कृष्ण प्रभु जी कुछ उनके चरण में वाक्य पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। अरे और कोई महापुरुष है? और दूसरा महापुरुष है लेकिन तीसरा कोई महापुरुष है? नहीं मांगते, ये मांगते हरे कृष्ण। ज्ञानंजन शलाकया तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम परमारथम गुरुपाद प्रथम विष्णुपाद स्तुतर शिष्य भक्ति वेदांत श्री सिद्ध गोस्वामी गुरु महाराज जी श्री चरण कमल में हनुमान को साष्टांग दंडवत पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनका अंतिम पूजा अर्चना करता हूँ। तत्पश्चात ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य भक्ति वेदांत श्लोक वधन श्याम श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। नित्यलाभ पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य भक्ति वेदांत श्लोक नारायण गोस्वामी महाराज जी। नित्यलाभ पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य भक्ति विज्ञान श्लोक भारती गोस्वामी महाराज।
नाम चल श्राष्ट्रपुर प्रति समस्त भक्तवृंद वैष्णव सदित गुरु भक्तवृंद सबकी चरण वादन की यथा दंड प्रणाम स्वीकार। आज नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की शुभ निर्याण तिथि तथा भक्ति विज्ञान श्रील भारतीय श्याम महाराज जी के आज ब्रज विजय महामहोत्सव। तो श्रील नामाचार्य हरिदास ठाकुर जिसके बारे में श्रील महाप्रभु बोलते क्या, यही मोर देह है थे तुम्हार देह यही मोर देह है थे तुम्हार ए मोर यही देह है थे तुम्हार देह बड़ा। महाप्रभु बोलते हैं कि हरिदास ठाकुर बोले कि मेरा शरीर से भी तुम्हारा शरीर अत्यंत श्रेष्ठ है और मेरा जाति क्या पता है, और मेरा तुम्हारा जो जाति वही जाति मेरा है कि मैं दृढ़ निश्चय करके बोल रहा हूँ। क्योंकि श्रीमन महाप्रभु अवतार होने के जितने सारे कारण है उसका भी एक कारण क्या है, ना काली युग धर्म है ना वो संकीर्तन तदर्थ उत्तीर्ण सचिन अंदर। बहुत सारे कारण होने पर भी महाप्रभु अवतार का एक कारण ये है कि नाम संकीर्तन की प्रवर्तन एक मुख्य कारण जिसको कहा गया, और वही मुख्य कारण को अगर महाप्रभु किसी द्वारा स्थापित किए वो और कोई नहीं नामाचार्य हरिदास ठाकुर, इसलिए उनके महिमा ज्यादा है। और हरिदास ठाकुर कौन है बल्कि उनका स्वरूप क्या है, बल्कि प्रहलाद महाराज और ब्रह्मा जी के स्वरूप है। इसलिए बल्कि ब्रह्मा जी अगर हुए तो हमारा आदि गुरु ये जवन गुरु उत्पन्न क्यों हो गया है, बोले वो लीला होता है जब कि वो धेनु और गोवर्चा से इत्यादि सारी सारी गोप गोपी को हरण करते हैं कृष्ण लीला में। तो कृष्ण तो बड़ा दुखी हो गए, किस कारण के लिए, बोले गिरिराज को धारण किए उस समय इंद्र भी कोप किया था और उस समय किया हुआ ना सारी सारी ब्रजवासी से भगवान कृष्ण का मिलन हुआ इसलिए आनंद हुए आनंदित हुए ठाकुर जी और इंद्र को क्षमा भी कर दिए। बोले ब्रह्मा जी जब ये गोवर्चा को हरण किए तो ये ब्रजवासी से ये बिछड़ गए भगवान और बड़ा दुखी हुए इस कारण के लिए, इसलिए ब्रह्मा जी जब आके स्तुति किए भगवान उसे देखे ही नहीं, तो फिर भगवान की जो दुर्बलता है उसको जान के वैष्णव की वंदना की ब्रजवासियों की वंदना की तो भगवान थोड़ा प्रसन्न हुए, फिर भी क्षमा की ऐसा बात बोले नहीं। तो ये जो उनका तो ये क्या हुआ ना ब्रजवासी से मिलन करा दे, बहुत इनका जो अपराध हुआ है वैष्णव चरण में अपराध हुआ जिसके लिए भगवान से ये क्या किया अपने जो निजजन को उनको क्या किए ना थोड़ा मतलब दूर हो गए, इसलिए भगवान उनको कृपा नहीं किए, जब से चरण कमल में प्रार्थना किए आके क्या तो फिर भगवान ने बोले तुम्हें तो दंड ही प्राप्त होगा। कैसा दंड, बोले कि देखो ये गो हरण करना गोवर्चा इत्यादि हरण करना ये दूसरे का काम नहीं लक्ष्मण का काम होता है, इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा ना जवनपुर में ही उत्पन्न होना पड़ेगा। बोले कि स्वीकार है मगर प्रभु ये दंड को तो मैं स्वीकार करूंगा मगर मुझे ऐसा शक्ति सामर्थ्य दो जिससे कि निरंतर आपका मैं स्मरण कर पाऊँ और आपका भक्ति कर पाऊँ। भगवान उस समय उनको कृपा किए थे इस कारण के लिए जवन गुण में उत्पन्न होने पर भी भगवान की जो अपूर्व नाम उनका मुख से कभी भी विस्मरण नहीं होता, हर समय भगवान के नाम में उच्चारण होता है। तो ये श्लोक हरिदास ठाकुर का महिमा है। ये उत्पन्न वहाँ हुए वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत बड़ा अच्छे से वर्णन करते हैं। अभी सुनो हरिदास ठाकुर कथा जहाँ श्रवण कृष्ण पायु श्रद्धा हुई इनका श्रवण करो खाली लीला चरित्र तो कृष्ण अवश्य ही प्राप्त होगी अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि नामाचार्य हरिदास ठाकुर ऐसा है चरित्र है भगवान दाता शिरोमणि बन गए। बोले महाबाध्याय तो है और हरिदास ठाकुर जी दाता शिरोमणि, बोले क्या, बोले हरिदास ठाकुर की निर्याण से भगवान इतने चीज दिए इतने चीज प्रदान किए एक साधारण भक्त अगर एक चीज को प्राप्त कर ले उनका उद्धार अवश्य हो जाए। बोले कैसे, बोले की जैसे मोहदी ये तो तीर्थ था महाप्रभु ने बोल के तुम हरिदास ठाकुर जी चरण कमल धोत चरण जल हो गया आज तक आज से, तो इसलिए तुम आज से क्या हो गए महातीर्थ। यद्यपि कृष्ण जगन्नाथ होने के कारण वो तीर्थ थे और हरिदास ठाकुर जी से वैष्णव की चरण कमल को चरण जल को प्राप्त किए इसलिए महातीर्थ पहले प्रदान किए महातीर्थ। फिर हरिदास ठाकुर के लिए खुद महाप्रभु भिक्षा याचना किए और याचना करके बड़ा महोत्सव करे सब वैष्णव लोगों को निमंत्रण किए। तो महाप्रभु अंतिम में बोलते हैं, बोले कि ये महोत्सव में जो लोग हरिदास ठाकुर को कलवर के समाधि में एक मुट्ठी बाली भी दिए बालू दिए और उनके जो निर्याण तिथि में जो नृत्य कीर्तन किए और निर्याण तिथि में जो सर्वोपरि थोड़े भी प्रसाद भी ग्रहण किए उनको क्या ना अवश्य कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगा। ये कोई साधारण चीज है जहाँ योगी और ज्ञानी बड़े कष्ट कर करके वो ब्रह्म साधु जी को मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं मगर भगवान बोले कि जो अद्भुत प्रेम जिसके पीछे भिखारी होकर घूमते हैं वो अद्भुत प्रेम को ही प्रदान कर दे। बोली जाओ हरिदास ठाकुर की महिमा ऐसा है।
तो विशेष रूप में जैसे हम श्रवण करते हैं कि हरदास ठाकुर ने चैतन्य भागवतम पहला ही वर्णन आता है जो 22,000 में उनका पिटा हुआ, तो इसमें बहुत प्रकार की शिक्षाएं प्रदान करते हैं नामाचार्य हरदास ठाकुर। कैसा कैसा शिक्षा, पहले क्या किए ना, ये निरंतर जवन होकर भी भगवान के नाम बाल्यकाल से ग्रहण कर रहे थे, तो जब वो काजी ने जाके वो बादशाह नवाब के सामने बोले कि देखो ये तो मुसलमान कुल में उत्पन्न हुआ है मगर कर रहा है क्या, बोले तो हिंदू का ये भगवान के नाम ले रहा है, अगर आप इसको दंडित नहीं करोगे और जितने सारे जवन है वो सारी सारी काल जाके हिंदू बन जाएंगे। यद्यपि नवाब का हरदास ठाकुर के साथ कुछ द्वेष नहीं था मगर ये काजी ने जाके इसे उनको क्या किया ना प्ररोचना किया, जिसके द्वारा फिर बादशाह ने नवाब ने क्या किया उनको बुलाया, तो जब बुलाया नहीं तो सैन्य को भेज के उनको पहले कारागार में लाया गया, उस समय ऐसा ही शायद नियम था। तो जब कारागार में लाया गया हरदास ठाकुर को, पहले इतने सारे अच्छे अच्छे लोग क्या होते थे राजा के मतलब कोप से जो बंदी हुए थे वो तो बड़ा प्रसन्न हुए, किस कारण के लिए, बल्कि नामाजी हरदास ठाकुर की जो महिमा कुछ कुछ सब श्रवण किए, क्यों, क्यों भक्त खुद को कभी छुपा नहीं सकते, अपनी महिमा तो अपने आप प्रकाशित होता है, जैसे माधवेंद्रपुरी प्रतिष्ठा मिल जाएगा इसलिए भाग्य, मगर फिर क्या किए प्रतिष्ठा अपने पीछे बढ़ाए, प्रतिष्ठा रो स्वभाव जगत विदित जेना वांछित आरोह विधाता निर्मित, प्रतिष्ठा रो भय पूरी रहे पलाया प्रतिष्ठा रो स्वभाव चले संगे गोड़ाया। तो नामाजन सिंह हरदास ठाकुर जब बंदी गृह में आए तो पहले कितने सारे अच्छे लोग थे वो बड़ा प्रसन्न हुए, क्यों, बोले कि इनका दर्शन से ही क्या होगा हमारे जो बंधन ये निश्चिंत रूप में क्या होगा छिन्न हो जाएगा, बंधन मुक्त हो जाएंगे हम लोग। तो नामाजी हरदास ठाकुर का दर्शन हुआ अद्भुत कले और हर समय भगवान के नाम उच्चारण कर रहे चरण कमल को दर्शन करके सब पवित्र, जैसे उनका कृष्ण विकार उनके अंदर में आ गए, मगर फिर भी हरदास ठाकुर उनको जब आशीर्वाद दिए बोले क्या, बोले तुम अब जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में ही रहो, ये बात श्रवण कर जितने सारे सब लोग तो दुखी हो गए, बोले यार हम तो सोच रहे थे कि यहाँ से मुक्त हो जाएंगे मगर हम लोग भी बंदी है, और हरदास ठाकुर जैसे महानुभक्त बोल रहे क्या भागवत पार्षद बोले कि तुम जिस स्थिति में अभी हो वैसा ही रहो, हम तो अभी बंदी है ऐसे बंदी होकर रहेंगे क्या, और हरदास ठाकुर जो देखिए दुखी हो रहे, तो फिर ये वास्तव जो आशीर्वाद दिए थे उसका महिमा को विस्तार किया, रहे मेरा तो मैं जो मेरा मन की जो अभिलाषा को तो आप समझ नहीं रहो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो अभी आपका जो स्थिति है मतलब ये जो बंदी गृह का स्थिति के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक कृष्ण भक्तों के शुद्ध भक्तों दर्शन करके आपके अंदर जो अष्ट शक्ति विकार आ रहे कृष्ण के लिए जो व्याकुलता आ रही जिसके लिए तुम्हारा अर्ष धर्म और रोमांच पुलकित हो रहे वही भाव ही हर्ष में रहे, क्यों, तो तुम विषय प्रवण हो, तुम विषय में आविष्ट हो, ये जंजाल में तुम विशेष रूप में फंसे हुए, और आगे जाके अभी तो तुम रो रहे हो मुझे दर्शन करके, आगे जाके वो विषय में फंस जाओगे ऐसा संभावना है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद कर रहा हूँ अभी कृष्ण के लिए तुम्हारा जो उत्कंठा है जो अभिलाषा है जो प्राप्ति करने के लिए जो आकांक्षा है वही आके हर्ष में रहो, इसके द्वारा कृष्ण क्या करेंगे तुम्हारा अधीन हो जाएंगे, इसलिए मैं इन्हें आशीर्वाद दिया। फिर जाके दरबार में उपस्थित होते हैं और ये पूछते हैं कि तुम ये इतने श्रेष्ठ जवन कुल में उत्पन्न होके भी तुम ये हिंदू का ये भगवान को क्यों नाम ले रहे हो, तुम कलमा उच्चारण करो, बोले कि देखो अगर ओवरऑल देखा जाए जो भगवान ईश्वर तो एक ही है जिसको पुराण में और पुराण में एक ही बतला गया, मगर ये क्या ना अधिकार भेद से ये क्या ना कुछ कुछ लोग मुसलमान और कुछ कुछ हिंदू होंगे, और जीव का अंदर इतना शक्ति सामर्थ्य नहीं होगी स्वतंत्र रूप में कुछ कर सके, इसलिए भगवान जैसा प्रेरित करते हैं जीव को वैसा ही कर रहा है, और मैं अभी जो भगवान के नाम ले रहा हूँ ऐसा सोचना पड़ेगा कि भगवान मुझके दर मुझसे वो प्रेरित कर दे कोई नाम लेने के लिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ मेरा स्वतंत्रता नहीं है इसमें, बोले कि अच्छा ऐसा बात है, तो ये तो नवाब ने अच्छे बात को शास्त्र की वाणी को स्वीकार कर रहा था हाँ, क्योंकि मगर ये जो काजी था ये क्या कर रहा था बार बार ये नवाब के करने में कुमंत्रण दे रहा था, बोले कह रहे देखो ये अगर ऐसा आज एक जवान जाके हिंदू हो गया तो काल देखे जितने सारे जवान वैसा भी हिंदू हो जाएंगे, और इसको ये क्या करेंगे आदर्श मानेंगे, तो इसीलिए क्या करो उसको कुछ दंड प्रदान करो। तो अंतिम में नवाब बोला कि देखो मैं अभी तुमको दंडित करूंगा, क्यों, आप जल्दी से जल्दी क्या करो कलमा की उच्चारण करो और भगवान की शरण अल्लाह के नाम लो, ऐसे ऐसे जब बोले तो ये बोले कि क्या क्या अद्भुत विचार बोले, फिर ये शरीर के लिए तुम क्या कर रहे हो, शरीर अगर मेरा खंड खंड हो जाए, बोले खंड खंड हो जाए यदि प्राण,
तबु बदने आमी ना छाड़ी हरिनाम। लेकिन ऐसा मेरा कहा था ना, अगर प्राण भी मेरा चले जाए, शरीर अगर मेरा खंड भी खंडित हो जाए, फिर भी मुख से भगवान के नाम को छोड़ नहीं सकता हूँ। तो ऐसा प्रश्न था भाई, छोड़ भी नहीं क्यों नहीं सकता हूँ, इतने तुम्हें कष्ट मिले है, बोल रहे हैं हरदास ठाकुर। बोले अरे मैं तो कई बार चेष्टा किया, किस कारण के लिए? बोले नाम को छोड़ने के लिए, पर मैं तो छोड़ना चाहता हूँ नाम, अगर नाम मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए हम लाखों नाम लेने से बात क्या होता है ना हमारा, वो क्या उसके प्रति ना आलस्य भाव आ जाता है या कष्ट होता है। हरदास ठाकुर स्वतः सिद्ध नामाचार्य थे, नामाचार्य इसलिए तो भगवान ने बोले, बोले वो तो अगर छोड़ने के लिए चाहते हैं ना, नहीं उनको हर नाम नहीं छोड़ता है, तो इसलिए बोले कि खंड खंड हर देह जाए जाए जाति प्राण, मैं उनको छोड़ नहीं सकता हूँ। बोले जब उनको 22 बाजार में पिटाई करो, तो 22 बाजार में पिटाई किया गया, तो सब तो सोचे कि 1-2 बाजार में जिसको पिटाई किया जाता है वो मर जाता है, मगर 22 बाजार में पिटाई जब कर रहे थे फिर भी हरदास ठाकुर को प्राण गया नहीं, और सारी से लोग तो अति व्याकुल हो रहे थे, बोले कि हरदास को छोड़ दो हमको पिटाई करो, और फिर भी ये जो सिपाही लोग थे वो हरदास ठाकुर को पिटाई कर रहे थे। फिर भी ये क्या ना, उनके सहनशीलता गुण इतना था, और महाप्रभु ने क्या किया उस समय, तो इतने क्रोधान्वित होकर सुदर्शन को लेके आगे सारे सारे शरीर छेदन करने के लिए हरदास ठाकुर ने प्रार्थना की, प्रभु ये लोग क्या है ना मंद बुद्धि युक्त है और अज्ञानी, ये क्या कर रहे हैं उनके बारे में उनको ही कुछ पता नहीं, इसलिए उनके प्रति आप कुछ उनका अपराध ग्रहण नहीं करना, मैं भी उनका अपराध ग्रहण नहीं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार तो ये हरदास ठाकुर ने क्या किए ना, सारी सारी इसको सहन किए, और विशेष रूप में उन लोगों को भी अंत में कृपा किए, वो बोले कि अरे आप तो कुछ आपका प्राण ही नहीं जा रहे, अभी आपके प्राण नहीं जाने के कारण ये काजी ने क्या करेंगे, नवाब ने क्या करेंगे, हमको ही मार डालेंगे, इसलिए आप क्या करो आपको कृपा करो, तो स्वयं क्या किए ना समाधिस्थ हुए। तो जब समाधिस्थ हुए बोले कि इसमें बड़ा बढ़िया दो उदाहरण दे रहे, बोले किस प्रकार का उदाहरण, बोले कि ये साधारण कोई हरदास ठाकुर नहीं, बोले ब्रह्मा जी और प्रहलाद जी के अवतार है। तो जैसे हनुमान जी को जब ये जो वहाँ जो वन को दहन कर रहे थे, तो कई तरह की रावण ने सैन्य को भेजा, और क्या कि ठाकुर हनुमान के अंदर इतना शक्ति सामर्थ्य था, बोले कि अपनी पूंछ में ही क्या करते थे, लाखों लाखों सैन्य को क्या कर रहे थे, इधर इधर फेंक देते थे, कोई तो समुद्र में गिरे, कोई तो पहाड़ पर्वत इसमें गिरे, और ऐसे कुछ वो सैन्य को भेजे, बोले जो कभी भी मरेंगे नहीं, मतलब अमर है, ऐसे भी कुछ सैन्य को भेजे, और उनको ये क्या कि पूंछ में लगाए पूरा उनको, वो सारी सारी ऊपर ही चले गए और नीचे गिरे ही नहीं। तो फिर भी जो लास्ट में उनको क्या नाम जो ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया गया, ब्रह्मास्त्र जो प्रयोग किया गया, यद्यपि हनुमान के अंदर सारी सारी शक्ति सम्मत था, फिर ब्रह्मा जी को ये सम्मान देने के लिए वो ब्रह्मास्त्र को प्रणाम किए और उसको स्वीकार किए बंधन को, फिर जाके वहाँ जाके फिर मुक्त हो गए। बोले कि वैसे बंधन को अपनी सम्मान देने के लिए ही स्वीकार किए थे, ठीक इसी तरह भी हरदास ठाकुर क्या किए, अपने समाधिस्थ हो गए, बोले कि अगर मेरे लिए इन लोगों को दुख हो रहा है तो गिरी ये मेरे लिए कोई शान नहीं होगा, इसलिए फिर उनको क्या किए स्वीकार किए, और फिर जाके फिर जब गंगा में उनको प्रवाह कर दिया गया, तो फिर जाके ये क्या किए पुनः अपने आगे भगवान की नाम लिए, और अद्वैत आचार्य की ये इसे संग किए, इसलिए पाया ताहार संग अद्वैत और साई उनका करे ना आनंद रंत नहीं। बोले कि जिस समय अद्वैत आचार्य हरदास ठाकुर का मिलन हुआ, बोले तो विशेष रूप में बड़े प्रसन्न हो गए, बोले किस कारण मिले, बोले पहले तो अद्वैत जो अकेले भक्त थे और कोई से शुद्ध भक्त नहीं मिले थे, मगर नामाजी से हरदास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त मिले, तो फिर ही उनके द्वारा किया हुआ ये विशेष कृष्ण कथा श्रवण कर रहे थे। और यहाँ जो हरदास ठाकुर की समाधि भी महाप्रभु ने उनको क्या किया उसी स्थान में ला के समाधि दिए, और आज भी अगर वहाँ जाएंगे उसमें विशेष रूप में महाप्रभु गौर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य इन तीनों की विग्रह देखा जाता है। बोले इसका महिमा क्या, बोले कि नामाचार्य हरदास ठाकुर जो अंतिम अवस्था में भी नाम को छोड़े नहीं, तो महाप्रभु ने उनके नाम के प्रति इतना प्रीति देखी, उनके परीक्षा भी की, बोले क्या कर रहे हो हरदास, तुम्हारे तो तुम शुद्ध सिद्ध देव हो के तुम्हारा है, तुम क्या करो कि नाम को थोड़ा कमा लो, और अभी तुम्हारा शरीर ठीक होने तक नाम को कमा लो। बोले नाम को प्रतिष्ठा का इस जगत में स्थापन करने के लिए आए हो, ये कैसे आज्ञा दिए भगवान, क्या करो तुम नाम को कमा दो, तुम तो सिद्ध देव हो, बोले परीक्षा ले रहे थे, और हरदास ठाकुर ऐसे छोड़ने वाले नहीं, बोले भगवान ना ऐसे मैं कर नहीं सकता हूँ। तो फिर ये नाम की उनका रुचि देखते हुए भगवान ने क्या किया, बोले कि खुद दास बन गए, बोले कैसा दास,
जिस कारण के लिए हरदास समाज में बल्कि तीनों प्रभु नित्यानंद प्रभु जो विष्णु तत्व महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु और अद्वैत जी ये तीनों विष्णु तत्व क्या किए अभी दास बन गए। हमारे बाबा ये चीज बताते थे बल्कि चारों चारों देखो भगवान तो सेव्य है और भगवान की दास सेवक है और हरदास ठाकुर समाज ऐसे देखोगे वहाँ भगवान दास है और हरदास ठाकुर स्वयं सेवक है। बोली कैसा सेवक ये कैसा दास बोली खुद नाम कर श्रवण करा ले इसलिए वो हो गए मालिक और ये हो गए दास। तो ऐसा ऐसा आशील हरदास ठाकुर की ये निर्याण तिथि उनके श्री चरण कमल में वंदना करेंगे तथा उनके जो प्राण धन से महाप्रभु से चरण कमल प्रार्थना करेंगे कि हमको वही नाम की ये रस को कभी ना कभी आस्वादन करे जैसे हम ये मुख में ये निरंतर हरे नाम को कर सके। मंचन कर देते ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुणस्य कृपासिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीद्वैतवदात्र शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे में अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत सरस्वती गुरु संत गुरु महाराज के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके अतिथि कृपा वंशय करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिष्य गुरुपाद पद्म पूज्यपाद भक्ति वेदांत बोधन महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके कृपा वंशय करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके अतिथि कृपा वंशय करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव प्रभुपाद सुपरसद प्रभुपाद समेत समस्त अनंत कोटि वैष्णववृंद रूपानुभव गुरुवृंद उपस्थित वैष्णववृंद सतीर्थ गुरु भ्राता वृंद के चरणों में स्वीकार। आज एक विशेष स्थिति है, अभी हमने कुछ देर पहले तिलक गुरु जी से और प्रभु जी से सुने कि वैष्णव के मुख से तो विशेष रूप में वैष्णव का गुणगान ही होता है कि शास्त्र में बोलते हैं वैष्णव चिन्हित नारे देवे सकती कि देवताओं का भी सामर्थ्य नहीं है कि वैष्णव को क्या कर देना ये पहचान सके, लेकिन देवता का सामर्थ्य नहीं है ये वैष्णवों का सामर्थ्य है कि जो वैष्णव को देवता लोग भी पहचान नहीं पाते इन लोग वैष्णव लोग उसी वैष्णव का क्या करते हैं ना गुणगान करते हैं तो इनसे देवता और वैष्णव से श्रेष्ठता सिद्ध होता है। तो वैष्णव का गुणगान करीले जीवेतान सुनिया थी साधु गुरु मुकेश रविंद्रावन दास ठाकुर बोलते हैं कि वैष्णव का गुणगान करने से केवल के केवल उनके नाम स्मरण मात्र से और हमारे गुरुदेव तो बोलते हैं कि वैष्णव तिथि में केवल जय जयदान उनका जयगान दिया करो उसमें ही विशेष रूप में क्या होगा ना कल्याण प्राप्त होगा क्योंकि हम अभी बद्ध जीव है और वैष्णव के जो मनोभिष्ट आंतरिक भाव और जो बाह्य भाव उसको हम विचार करने में हमारे उतना कैपेसिटी नहीं है कि हमारे सामर्थ्य नहीं है, फिर भी वैष्णव में कृपा किए और उसको उसी कृपा के बल से हम उसको कुछ स्पर्श कर रहे हैं ताकि हमारे क्या 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 हुए ना उनके महिमा श्रवण मात्रे कभी ना कभी हमारे अंदर भी वही भाव जागृत हो गुरु वैष्णव की कृपा से कि हम भी उन वो जिस प्रकार भाव में सेवा करते थे वो हम उसी रूप में उनके गुरु वैष्णव की सेवा कर पाए। तो आज हरिदास ठाकुर जी के तो महिमा अभी हम कुछ समय पहले श्रवण कर रहे थे, आज श्रील प्रभुपाद उनके प्रियतम पार्षद शिष्य श्री श्रीमद नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदा श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी के प्रिय शिष्य श्री श्रीमद नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदा श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज का आज सुबह तिरोभाव तिथि है।
यद्यपि वैष्णव के लिए बोला गया है कि न कर्म बंधनम वैष्णवानं च विद्यते विष्णु अनुचरित ही मोक्षं माहु मनीषणम, वैष्णव का जन्म मृत्यु कर्म बंधन इत्यादि नहीं होता, लेकिन ये क्या करते हैं ना विशेष रूप में महाप्रभु के वाणी को प्रचार करने के लिए और विशेष रूप में साधु को शिक्षा देने के लिए इस जगत में आते हैं। और महाप्रभु की उसी धारा को कल हमने जैसे श्रवण किया कि जैसे भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद गुरुदेव आए कि कैसे जो महाप्रभु के भक्ति द्वारा मंद हो गया था उसको पुनः प्रवाहित करते हैं, वैसे ही ये लोग किया है ना। ये लोग है जिबे मोह निद्रागत जगते वैकुंठ दूतम गौड़िया पठाओ घरे घरे उठरे उठरे भाई आर्त समय नहीं कृष्ण कृष्ण भजे बोलो उच्चस्वरे। कि जब जीव निद्रा में सो जाते हैं अर्थात निद्रागत मतलब क्या है कि जो अज्ञान के निद्रा में सो जाते हैं जब भजन नहीं करते हैं जब भक्ति मंद हो जाते हैं तब ये क्या करते जागाते वैकुंठ दूत, ये वैकुंठ का दूत आते हैं और ये साक्षात महाप्रभु के परिकर आते हैं, साक्षात गुरुवर्ग के परिकर आते हैं मंजरी रूप में और उसी को क्या करते हैं पुनः स्थापित करते हैं। ऐसे एक महान आचार्य श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज का तिरोभाव तिथि है, हमारे तो अधिकार नहीं है फिर भी हम गुरु वैष्णव के अनुगत्य में गुरुदेव के आदेश है तो उनके महिमा को कुछ स्पर्श करेंगे। कि जब महाराज जी 2-3 साल पहले शायद राधाष्टमी के तिथि पे अस्वस्थ लीला प्रकट की तो इन्होंने तब तक लगातार क्या हुआ ना 2-3 तिथि आई राधाष्टमी आई एकादशी बामनदेव की तिथि आया फिर उसके बाद हरिदास ठाकुर की तिथि में महाराज जी अप्रकट लीला किए। अब इन्होंने जब अस्वस्थ लीला पे थे तब आईसीयू में क्या किया ना कुछ बाद माधव प्रिय प्रभु को अपने पास बुलाया और बोले कि प्रभु जी यहाँ से मुझे ले चलो मठ में ले चलो। तो माधव प्रिय प्रभु ने बोले कि आपको हम मठ में कैसे ले चले आप तो इतना अस्वस्थ हो कि आपके लिए उपयुक्त जगह यहीं पे ही है। कि महाराज जी ने बोले दो बात वहाँ पे बोले कि देखो यहाँ पे बोल देना कि डॉक्टर को हमारे पास पैसा नहीं है। तो पूज्य पाद महाराज जी ने हंस के बोले पूज्य पाद माधव प्रिय प्रभु ने हंस के बोले कि मैं तो डॉक्टर को बोल दूंगा कि हमारे पास पैसा नहीं है, अगर वो बोलेगा कि वो हमको फ्री में सेवा करेगा फ्री में हमको इलाज करेगा पैसा की कोई जरूरत नहीं है। तब पूज्य पाद महाराज जी ने बोले अच्छा वो अगर बोलता है कि फ्री में सेवा करेगा तब भी मैं ग्रहण नहीं करूँगा, बोल देना कि हम इससे अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है। अब महाभागवत का लक्षण क्या है ना वो सत्य बोलते हैं और दूसरे को सत्य बुलवाते हैं, यहाँ पे महाराज जी खुद झूठ बोल रहे हैं और दूसरे को माधवप्रिय प्रभु को बोल रहे हैं कि झूठ बोल दो जाके डॉक्टर को कि हमारे पास पैसा नहीं है हम बहुत अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे। ये तो जागतिक लोक का दृष्टिकोण है लेकिन महाभागवत का दो प्रकार के दृष्टिकोण, एक बाह्य दृष्टिकोण एक आंतरिक दृष्टिकोण है। बाह्य तो ये तो दिख रहा है ऐसे भाव है लेकिन उनके आंतरिक दृष्टिकोण क्या है ना वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। जागतिक लोग पैसा पैसा का मतलब क्या सोचते हैं कि सामान्य मामूली नोट कागज का टुकड़ा सोचते हैं, लेकिन पारमार्थिक राज्य में धन धन का मतलब क्या है कृष्ण प्रेम, कि मेरे पास हरि नाम रूपक कृष्ण प्रेम नहीं है मेरे पास नाम रूपक धन नहीं है। तो इसमें बोलते हैं क्या तो महाराज जी इतने बड़े महाभागवत उनके पास क्या हरि नाम रूपी प्रेम का अभाव था क्या धन का अभाव था, बोलते हैं नहीं। प्रभुपाद बोलते हैं जब प्रभुपाद अप्रकट होने के कुछ समय पहले जब प्रभुपाद क्या किए ना अपने सारे के सारे पार्षद को एक जगह पे बुलाया और तब वो बेड पे थे अस्वस्थ लीला कर रहे थे सिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर वो बोल रहे हैं कि देखो मैंने जगत में आके जिस चीज को देना चाहता था वो मेरे द्वारा नहीं हो पाया। अब ये बात को प्रभुपाद स्वयं बोल रहे हैं इसको हमको समझना पड़ेगा कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मैं नहीं दे पाया इसका मतलब क्या प्रभुपाद नहीं दे पाए क्या, बोल रहे प्रभुपाद प्रचुर मात्रा में दिया लेकिन उनके जो पार्षद है भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज इसी बात को लिखते हैं, बोल रहे हैं कि असंतुष्टि ही वैष्णव जगत में धन है, जितना करो क्या होता है ना जैसे बद्ध जी कुछ भी थोड़ा सा कर दे तो संतुष्टि हो जाते आत्म काम पूरा हाँ मैंने कर लिया, लेकिन वैष्णव बहुत सारे करते हैं लेकिन असंतुष्टि प्रकाश करते हैं। ये तो भाव है गोपियों का कृष्ण के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, जसोमती मां नंद बाबा और ब्रज के जितने भी सारे
सारे के सारे रस में जो सेवा करते हैं कृष्ण के लिए बहुत सारे सेवा करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, जसोमती माँ सोचते हैं कि हम तो कृष्ण के लिए कुछ किया ही नहीं, और गोपियाँ भी बोलते हैं कि हमसे श्रेष्ठ तो ये हिरण है, क्या है गोपियाँ से श्रेष्ठ हिरण है क्या, और गोपियाँ बोलते हैं हम तो कृष्ण के लिए कुछ कर ही नहीं पाए। तो इसको पता चलता है कि इतने इन्होंने क्या नहीं किया कृष्ण के लिए। तो जो वास्तविक धन है वो वैष्णव जगत में असंतुष्टि है। असंतुष्टि मतलब बहुत सारे सेवा करने के बाद भी असंतुष्ट प्रकाश करना। तो ये महाराज जी बोल रहे हैं कि मेरे पास धन नहीं है, तो इससे पता चलता है कि कितने बड़े वो भजनानंदी है, उनके पास कितने धन है, इसीलिए वो उसी भाव में बोल रहे हैं कि मेरे पास धन नहीं है। और दूसरी बात जो महाराज जी बताया कि बोल देना कि हमको इससे अच्छे वाले मेडिकल में जाएंगे। तो महाराज जी को क्या उसी मेडिकल में सब महाराज जी क्या जागृति के लोग के जैसा ठीक मतलब बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल में जाना चाहते थे क्या? मतलब उनके आंतरिक भाव ये है कि प्रभुपाद ने जो मेडिकल बनाया है, जो गौड़िया मठ है, वो गौड़िया मठ में क्या होता है ना, मठेर वैष्णवगण करे सदा वितरण हरि गुण कथामृत भावे, कि मठ के जो वैष्णवगण है क्या करते हैं कि सारे के सारे केवल हरि गुण कथामृत को ही चर्चा करते हैं। तो हरि गुण तो हरि का जो कथा है वो रूपी धन को मठ में क्या करता है ना, दिया जाता है। तो मठ प्रभुपाद बोलते हैं कि 100 करोड़ जो हॉस्पिटल है, अगर कोई क्या करे ना एक गौड़िया मठ में अगर ठीक ठीक रूप में अगर उसको प्रचार हो, और उसी गौड़िया मठ में क्या हो ना विशेष रूप में महाप्रभु की धारा का जो शुद्ध भक्ति को कोई अगर प्रवाहित करने के लिए कोशिश करे, तो वो 100 करोड़ हॉस्पिटल से भी वो श्रेष्ठ है। अब महाराज जी के इनके आंतरिक भावना क्या है कि बोलते हैं कि यहाँ तो शरीर का इलाज होता है, लेकिन जो प्रभुपाद ने गौड़िया मठ बनाया और जो हमारे गुरुदेव ने गौड़िया मठ बनाया, वहाँ पे शरीर का इलाज नहीं होता है, वहाँ पे आत्मा का इलाज होता है, वहाँ पे शिक्षा दिया जाता है। और इसी हॉस्पिटल में तो धन दिया जाता है, हम धन खुद देते हैं, लेकिन उसी हॉस्पिटल में क्या करते हैं वो लोग खुद धन देते हैं और खुद ट्रीटमेंट करते हैं। ये बड़े विचित्रता है, क्या धन देते हैं ना, हरि कथा मृत रूप का धन देते हैं। यही तो बात है कि वैष्णव का जो आंतरिक भाव और बाह्य भाव को समझना पड़ेगा। कि हमारे जैसे उदाहरण देते हुए बोलते हैं कि हमारे अभी कुछ समय पहले गुरु जी बोल रहे थे कि भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज से इन्होंने मंत्र के रूप में सारे प्रभुपाद के शिष्यों के जो शिष्य हैं उनके एक एक विचार को इन्होंने मंत्र के रूप में अपने जीवन में आचरण किया। जैसे भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज से इन्होंने सीखा कि सदा सर्वदा, ये पूरा एग्जैक्ट इनके ही वाणी है कि बोल रहे हैं कि सदा सर्वदा कीर्तन के सुर ताल को ना देखते हुए, कीर्तन के जो गूढ़ भाव और गूढ़ रहस्य और कीर्तन के जो रचयिता उनको भाव को जान के उसी भाव में कीर्तन करना चाहिए। अब ये तो ऐसे बोल दे, और हमारे गुरुदेव कभी कोई मंगल आरती इधर उधर का, कोई सुर ताल इधर उधर का बोलता है तो गुरुदेव डंडा लेके पीट देते हैं। तो क्या इनके जो वाणी है उसमें वैष्णव में क्या भेद हो गया, क्या विपरीत हो गया? जैसे उदाहरण देते कि भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज प्रसाद में कुछ विचार ही नहीं करते थे, जो भी जो प्रसाद दिए उसमें नमक हो जला हुआ हो पूरा पा लेते थे। लेकिन गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज वो क्या करते हैं, प्रसाद कोई ले अरे बोल देते हैं चक्कर यहाँ पे नमक नहीं, ये ऐसे होना चाहिए, ये वैसे होना चाहिए। तो इनके जो विचार कोण है, एक वैष्णव देख रहे हैं कि प्रसाद में क्या कर रहे हैं ना, भेद नहीं देख रहे हैं कि भगवत स्वरूप को लेके पा रहे हैं, और एक वैष्णव क्या भेद देख रहे हैं। तो ऐसे हमको नहीं सोचना चाहिए, इनके आंतरिक भाव को विशेष रूप में वैष्णव से जान लेना चाहिए कि भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज उनके उनके आंतरिक भाव क्या है ना, वो प्रसाद को भगवत स्वरूप में क्या करते हैं ना, पा लेते हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव के आंतरिक भाव क्या है ना, गुरुदेव बोलते हैं कि ऐसे प्रसाद बनाया है कि इसको ठाकुर जी पाएंगे, ऐसे ऐसे प्रसाद जला हुआ प्रसाद बिना नमक के, इनके भाव क्या है और उनके भाव क्या है, इसमें कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अप्राकृत भाव है। और जैसे हम जैसे बद्ध जीव उनको कंपैरिजन नहीं करेंगे, मतलब नहीं कर सकते, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते इनके आंतरिक भाव क्या है और बाह्य भाव क्या है। तो जैसे कि देखा जाता है कि परम गुरुदेव को प्रभुपाद ने बोला कि तुम्हारे माता जी अस्वस्थ हैं विनोद विहारी, तुम कुछ दिन के लिए घर चले जाओ, लेकिन परम गुरुदेव गए नहीं। क्या उन्होंने गुरु अवज्ञा की? बोलने नहीं की। इससे गुरुजी प्रसन्न हुए। तो ऐसे जैसे जो आंतरिक भाव है वैष्णव का, आंतरिक जो
उनके जो मनोभीष्ट है उसको जान के ही विशेष रूप में सेवा होता है। सेवा का मतलब है क्या है ना, वैष्णव क्या चाहते हैं हमारे द्वारा। अगर वैष्णव वो वस्तु को, एक वस्तु हमारे अंदर चाहते हैं और हमने उसका क्या कहना ऑपोजिट कर दिया, उनके आंतरिक भाव को ठीक रूप में नहीं जान के जो मन में आया वो कर दिया, लेकिन उसमें क्या होता है ना, वैष्णव अपराध हो सकता है। लेकिन हमारे जी ये जो भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज, इन्होंने क्या किया ना, प्रभुपाद के सारे शिष्यों के और वैष्णवों के जो आंतरिक भाव को इन्होंने ठीक रूप में जानने के लिए कोशिश किया और जाने भी, और उसी रूप में क्या किया ना, विशेष रूप में सेवा की। जैसे कि उदाहरण देते हैं कि जैसे कि इन्होंने किसी रूप में एक बार क्या हुआ ना, श्रील भक्तिदायित माधव गोस्वामी महाराज ने इन्होंने एक लेटर लिखा कि आप क्या करो ना, एक जगह पे क्या हो रहा था, जो क्या बोलते हैं उसको, हमारे उस गांव में जो होने जा रहा था, एक जो म्यूजियम की तरफ जो दिखाते हैं फोटोशॉप की, तो उसमें क्या किया ना, भक्तिदायित माधव गोस्वामी महाराज ने बोले कि आप क्या करो ना, दो ही लाइन पर दो, जाने वाले और आने वाले। तो महाराज जी ने फिर लेटर लिखा कि नहीं गुरु जी, दो लाइन में शायद असुविधा हो सकता है, हम तीन लाइन कर देते। तो इन्होंने भक्तिदायित माधव गोस्वामी पूज्य पाद भक्तिदायित माधव गोस्वामी महाराज ने फिर एक लेटर लिख के भेज दिया कि नहीं आप दो ही लाइन कर दो। तो जब इन्होंने आए और देखे कि दो लाइन ही है, दो लाइन है और उसके साथ एक्स्ट्रा एक लाइन महाराज जी ने कर दिया, तो यहाँ पे क्या उन्होंने गुरु अवज्ञा की। यद्यपि ये बहुत बड़े चरित्र है, लेकिन हम सिंपली में उनके भाव को कुछ स्पर्श कर रहे हैं कि माधव पूज्यपाद भक्तिदेव माधव महाराज ने उनको दो लाइन, अच्छा दो बैरिकेड लगाने के लिए बोला और लेटर लिखा, और इन्होंने क्या किया ना, तीन बैरिकेड लगा दिया। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इन्होंने गुरु अवज्ञा कर दी, लेकिन ये वास्तव में गुरु अवज्ञा नहीं है। पूज्यपाद भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज इनके भाव को देख के सोच गए कहीं कुछ ना कुछ ये किए हुए। जब इनके प्रचार इतने बढ़ने लगा कि तब वहाँ का बड़े बड़े जो ऑफिसर है वो लोग आने लगे। अब जो बड़े बड़े ऑफिसर वो आएंगे, वो तो जनरल जैसे लाइन में खड़े होके, पूरा भीड़ में लाइन में खड़े होके नहीं जा पाएंगे। तब श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज क्या किए ना, जो तीसरी वाले लाइन को खोल दिया और ऑफिसर लोग तुरंत पूरा आराम से देख के उसको देख के प्रदर्शनी को देख के वही प्रदर्शनी में पूरा सारे चीज को समझ के आगे, क्योंकि ऑफिसर लोग वो आ रहे हैं, उनके पास इतना समय नहीं है। तब भक्तिदायित माधव गोस्वामी महाराज के पास महाराज जाके बोले कि मैं इसी भाव से लगाया था। तो महाराज जी बड़े प्रसन्न हो गए। तो यही वास्तविक भाव है कि गुरु वैष्णव ने क्या, मतलब क्या उनके आंतरिक भाव है, क्या वो देना चाहते हैं हमसे, उसी भाव को अगर हम नहीं जान पाएंगे तो हम उसी रूप में सेवा भी नहीं कर पाएंगे, और वो कभी ना कभी क्या होगा, हमारा धीरे धीरे पतन हो जाएगा। जैसे भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि मैंने भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज से और एक भी मंत्र लिया, क्या है ना, सदैव उच्च श्रवा, क्या है ना, सदा सर्वदा उच्च कोटि के वैष्णव के उग्र सेवा, कि सदा सर्वदा उच्च कोटि के वैष्णव से ही मैं क्या करूंगा ना श्रेष्ठ संग करूंगा, श्रेष्ठ साधु संग करूंगा। इनके क्या भावना है, तो बोल रहे हैं कि श्रेष्ठ संघ कैसे प्राप्त होगा ना इस जगत में। जैसे हमारे एक बार प्रभुपाद ने श्री भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज को बोले कि आप कुछ लिखो, तो उन्होंने लिख दिया कि जीवे स्वरूप है नित्य गुरुदास। तो सब लोग वहां पे मठ में थे, अरे इन्होंने क्या इधर पूरा शास्त्रों को उल्टा लिख दिया, बोल रहे हैं कि जीवे स्वरूप है नित्य गुरुदास। अब जब इनको पूछा गया, प्रभुपाद ने कुछ नहीं बोले, लेकिन इनको जब पूछा गया, अब ये बोल रहे हैं कि वास्तव में जीव का स्वरूप क्या है, कि सचमुच में नित्य दास ही है। कैसे कि जब हम इस जगत में आए कि राधा कृष्ण के भजन में आए, कि भजन भक्ति मार्ग में आए, पहले किसके माध्यम से आए, कोई ना कोई किसी ना किसी वैष्णव के माध्यम से गुरुदेव तक आते हैं, गुरु जी तक आते हैं। तब गुरु जी उनको क्या करते हैं ना, हरिनाम प्रदान करते हैं। अब गुरु जी जब हरिनाम प्रदान कर दे, तो पहले दिन तो गुरु जी नहीं बोलेंगे मेरा ये मनोविष्ट है, मुझे ये क्या करो, मेरा ऐसे रूप में सेवा करो। गुरु जी बोलते हैं वैष्णवों का सेवा करो। तो अब ये क्या करते हैं ना, वैष्णवों का सेवा करते करते गुरुदेव को मनोविष्ट को जानते हैं। तो वैष्णवों का सेवा करते करते ये वैष्णव दास हो गए।
अब जब ये वैष्णव दास हो गए तो ये क्या करते ना, धीरे धीरे गुरुदेव की सेवा में इनका क्या होता है ना, अधिकार प्राप्त होते हैं। अब गुरुदेव की सेवा करते करते ये पूर्ण रूप में गुरुदास हो गए। अब जब ये पूर्ण रूप में गुरुदास हो गए तो जो जिस रूप में जिस रस है, पांच मुख्य रस है, उसमें जो क्या करते ना, उसी भाव में सेवा करते हैं तो डायरेक्ट हो जाएगी कृष्ण की सेवा नहीं कर पाते। इसलिए बोलते हैं गोपी भर्तु पद कमलम तव दासनम, दास के दास के दास के भी हम दास है। इसका मतलब क्या है ना, जो वात्सल्य भाव में सेवा करता है वो नंद बाबा और यशोमती मैया के दास के दास के दास के दास, कितने दास के दास नीचे रह के सेवा करते हैं। और जो साख्य भाव में सेवा करते हैं वो क्या ना, सुदाम मधुमंगल के दास के दास के दास के भाव में सेवा करते हैं। और जो मधुर रूप में सेवा करते हैं वो गोपियों के, और जो राधा रानी की जो सखीगण है ललिता विशाखा और उनके जो अनुगत्य मंजरीगण, और उनके जो अनुगत्य मंजरीगण, उनके जो दासी, उनके जो दासी, उनके जो दासी, ऐसे भाव में सेवा करते हैं। तो इस जगत से लेके नित्य जगत तो जीव का स्वरूप तो कृष्ण दास हुआ नहीं, कि वास्तव में कैसे गुरुदास हुआ। तो इसी भाव को वो बताते हैं कि आंतरिक भाव क्या है वैष्णव का। तो इन्होंने अपने गुरुदेव के विशेष रूप में सेवा करते हुए बोल रहे हैं कि मैं तो वैष्णव का दास हूँ। जैसे हमारे भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज को कोई पूछा कि तुम ही के, तो महाराज जी बोल रहे हैं कि आमी गुरुदास, कि मैं गुरु गुरु वैष्णव दास, आमी वैष्णव दास, आमी ओ गुरुदास। तो इनके अंदर ये रूप, ये जो गुरुदास का जो अभिमान है, वैष्णव दास का अभिमान है, ये पूरा का पूरा इनके अंदर में देखा जाता है ना। कैसे इन्होंने सारे के सारे प्रभुपाद के पार्षद से एक एक मंत्र के रूप में अपने जीवन में ग्रहण करके उसको आचरण किया, बस ग्रहण नहीं किया, बस उसको आचरण करके हम जैसे साधकों के लिए शिक्षा भी प्रदान की। इनके महिमा तो बहुत है, हमारे पूज्यपाद भक्तिवेदांत बोधन गोस्वामी महाराज, हमारे गुरुजी, इनके महिमा को बहुत अच्छे तरफ से क्या करते हैं ना, सुनाते हैं। और पिछले बार हमने इनके विशेष विशेष महिमा को भी सुने। और ये हमारे गृहस्थ लोगों के लिए भी तो ये इनका जीवन आदर्श है ही है, लेकिन हम जैसे मठवासी, इन हमारे लिए क्या है ना, इनके जीवन जो है तो बहुत महत्वपूर्ण आदेश है, मतलब आदर्श है। क्यों ना, ये जिस भाव में मठ में, ये भी मठ में रुके और प्रभुपाद और उनके पार्षद और गुरु वैष्णव की जिस रूप में सेवा किए, ये हमको शिक्षा देने के लिए ही सेवा किए। यद्यपि ये नित्य सिद्ध पार्षद है, फिर भी इन्होंने उसी उसी रूप में आचरण किया। किसके लिए ना, हमारे लिए, हम जैसे बद्ध जीव के लिए क्या किए ना, उसी रूप में हमको सेवा प्रदान करने के लिए ही इस जगत में महाभागवत लोग आते हैं और शिक्षा देते हैं, स्वयं आचरण करते हैं और हमको उसी आचरण में प्रतिष्ठित करने के लिए ही शिक्षा देते हैं। तो हम जैसे मठवासी, वो भी मठ में रह के जिस रूप में हरि गुरु वैष्णव के सेवा के प्रति स्वाभाविक जो उनके जो प्रीति था, कि जैसे स्वाभाविक रूप में कोई विशेष रूप में जबरदस्ती नहीं था, कि विशेष रूप में स्वाभाविक था उनके प्रीति, कि किस समय उनके जीवन चरित्र में आता है कि किस समय रात में उनको हटा होना है कि एक वैष्णव का शरीर असुस्थ है, तो महाराज जी कुछ विचार नहीं किए और ऐसे ही उठ के चले गए। और एक किसी को, एक ब्रह्मचारी को फोन किया कि आप तुम आ जाओ कि मैं हॉस्पिटल पे आ गया हूँ, एक वैष्णव का शरीर असुस्थ है। तो ब्रह्मचारी सोचने लगा कि अभी तो 2-3 बज रहा है और 1 घंटा में मंगल आरती हो जाएगा, स्नान करके चला जाऊंगा। तो वो गया नहीं, लेकिन महाराज जी सुनते ही चले गए। और वो ब्रह्मचारी जब गया तो वो वैष्णव प्रकट हो गए थे। तो महाराज जी बोलते थे कि वैष्णव के जो सेवा मिलते ना दक्षिणा, तो कृपा रूप में आता है, दक्षिणा उसको क्या करते हैं ना, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो इनके जो ऐसे वैष्णव सेवा का जो भाव है, काश हम गुरु वैष्णव से प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में ना कभी वही वैष्णव भाव जागृत हो, और हम भी गुरु जी के अनुगत्य में, गुरु जी के बाह्यवत और आंतरिक जो भाव है उनको ठीक ठीक से समझ के उसी भाव में हम उनके सेवा कर सकें, और यही शक्ति भी वही खुद हमको प्रदान कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे बद्ध जीव, हमारे इतना भी विचार शक्ति नहीं, वो तो प्रदान करते हैं लेकिन हम उसको ठीक ठीक रूप में ग्रहण नहीं करते। लेकिन हम आज उनके तिथि में उनसे, उनके चरण कमल और वैष्णव के चरण कमल और गुरु जी के चरण कमल में इतना प्रार्थना करते हैं
कि वो हमारे जो वैष्णव का सेवा का जो भावना उसका मतलब जो थोड़ा सा स्पर्श ही कराए ताकि हम उसी भाव में क्या करें ना वैष्णव का सेवा कर पाए, गुरु जी की सेवा कर पाए और कुछ उनके जीवन चरित्र को हमारे जीवन जीवन में आचरण कर सके। यही प्रार्थना करते हुए मैं उनके चरण में अपने वाचनिक पुष्पांजलि प्रदान करता हूँ और गुरु जी के चरण में भी वाचन पुष्पांजलि प्रदान करता हूँ। कथा। Hey, hey.